ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। इससे पहले महाराष्ट्र में यात्रा को अपार समर्थन भी मिला, लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हुई राजस्थान कांग्रेस की तेज तर्रार नेता एवं ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा द्वारा सोशल मीडिया पर एक फोटो डालना भाजपा नेता को रास नहीं आया। बुधवार को दिव्या मदेरणा ने यात्रा की एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसमें राहुल दिव्या का सिर चूम स्नेह जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिव्या द्वारा इस फोटो को शेयर करने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक अरुण यादव ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन मांगा था। बीजेपी नेता के ट्वीट पर अपने चिर परिचित अंदाज में दिव्या मदेरणा ने कैप्शन की छड़ी लगा दी। दिव्या ने लिखा, दान में जब कोई शस्त्र नहीं बचे तो वार करने के लिए तब व्यक्तिगत और अनर्गल निजी आरोप के तीरों से प्रहार करो, इससे नीचतम स्तर राजनीति का हो ही नहीं सकता। वहीं दिव्या ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। राजस्थान के ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के राहुल गांधी के साथ फोटो ट्विटर पर शेयर करने से बवाल मचा हुआ है। एक दिन पहले दिव्या ने सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की एक फोटो ट्विटर पर शेयर की थी। इस फोटो के साथ लिखे कैप्शन में दिव्या ने भाजपा पर हमला किया था। दिव्या ने लिखा, इनकलाबे सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ यह जनसैलाब देश में भाजपा की विभाजनकारी नीति के खिलाफ राहुल जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अपने इस ट्वीट के साथ दिव्या ने एक फोटो भी ट्वीट की, जिसमें राहुल गांधी उन्हें सिर पर चूमते नजर आ रहे थे। अब इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक अरुण यादव ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन पूछा, बीजेपी नेता के इसी ट्वीट पर विधायक दिव्या मदेरणा भड़क उठी। उन्होंने ट्विटर पर ही भड़ास निकालते हुए फोटो के एक के बाद एक सात कैप्शन लिख डाले। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक भी कह डाला कि शर्म करो, तुम्हारी भी माँ बहन पत्नी होंगी। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैदान में जब कोई शस्त्र नहीं बचे हो वार करने के लिए, तब व्यक्तिगत और अनर्गल निजी आरोपों के तीरों से प्रहार करो, इससे नीचतम स्तर राजनीति का हो ही नहीं सकता। एक दल के शीर्षतम नेता का अपने लोगों को इतनी करुणा भाव से एहसास करना कांग्रेस परिवार का अमूल्य हिस्सा है। यह दर्शाता है कि वह कांग्रेस के कट्टर समर्थकों के प्रति कितने संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, और ये मानवीय गुण आप जैसे नेताओं में विलुप्त है। दिव्या मदेरणा ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल जी की 75 दिन की भारत जोड़ो यात्रा में कुछ भी नया नहीं हो रहा। राहुल जी वरिष्ठ नागरिकों, बच्चियों, युवाओं, आम इंसान, एमपी, एमएलए से बड़े प्यार से मिल रहे हैं। भाजपा जो तस्वीरें ट्रोल कर रहा है उसमें कुछ भी नया या हैरान करने वाला नहीं है। दरअसल ये लोग अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। दिव्या ने ट्वीट से पहले अरुण यादव की इच्छा भी पूरी की। उन्होंने अपनी ओर से फोटो के साथ कैप्शन दिए। दिव्या मदेरणा ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा, अभिभावक, संरक्षक, बड़ा भाई, करुण भावों से परिपूर्ण नेता राहुल जी अजय अपराजय, ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन, भाजपा की असुरक्षा साफ झलक रही है, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी भी माँ पत्नी और बेटी होगी, पितृहीन शिशु का संरक्षक, चरित्र पर हमला मत करो, लक्ष्य आधारित राजनीति के लिए दूसरे रास्ते ढूंढो, जैसे कैप्शन दिए। उल्लेखनीय है कि गत दिनों ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। उस दौरान उनके और राहुल गांधी के फोटो और वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें राहुल गांधी ने दिव्या मदेरणा को अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह दिया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।